वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श सौदा एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने जो हाइकेंस के प्रिंसिपल से अपने अपवर्तन और परावर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या की थी, आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यतिकरण क्या होता है, इसका गणितीय विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, व्यतिकरण है क्या? जैसा कि हम लोग साउंड वेव्स में 11 में पढ़ते थे कि व्यतिकरण जब दो या दो से अधिक तरंगे, अच्छा व्यतिकरण दो तरंगों से प्राप्त होता है, समान यानी एक ही स्रोत को दो भागों में विभाजित किया जाए या समान आयाम की समान आवृत्ति तरंगों का जब एक ही दिशा में संचरण होता है तो उनके मिलने से यानी अध्यारोपण होने से कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर न्यूनतम या लगभग शून्य प्राप्त होती है, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण के लिए जो स्रोत है वो कैसे होने चाहिए? तो स्रोत जो है वो कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध का स्रोत का अर्थ क्या है कि जो एक स्रोत, जैसे मान लीजिए स्रोत पहला है, ये दूसरा स्रोत है और इन दोनों से तरंगे उत्पन्न हो रही है और ये दोनों तरंगे क्या होनी चाहिए, समान आयाम की, समान आवृत्ति की, ऐसी तरंगे होना चाहिए। तो इनके टकराव से, इनके मिलने से जो एक नई तरंग का निर्माण होता है उसमें तीव्रता कुछ स्थानों पर मैक्सिमम और कुछ स्थानों पर मिनिमम प्राप्त होगी, इसे व्यतिकरण कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक ही स्रोत है उसको दो भागों में बांट करके इसका स्थिति करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम लोग इसको गणितीय विश्लेषण करते हैं, इसके बाद यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम सीखेंगे इसमें कि अध्यारोपण क्या होता है, तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि अगर किसी स्थान पर दो या तीन या चार तरंगे एक साथ गमन करती हैं तो उनके मिलने से, समझ में आएगा, उनके मिलने से जो नई तरंग बनती है उसका किसी क्षण विस्थापन जो होता है, किसी क्षण विस्थापन जो होता है उनके मिलने से बनी तरंग का, वह सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो व्यतिकरण की घटना है उस घटना में हम लोग ऐसा है कुछ देखेंगे कि दो तरंगों को एक दूसरे से मिक्स कराएंगे, अध्यारोपण कराएंगे और उनसे हम परिणामी तरंग से अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के लिए स्थिति प्राप्त करेंगे। तो इसका हम लोग व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण मुख्य रूप से पढ़ना इसका करेंगे। तो अध्यारोपण का जो गणितीय विश्लेषण है उसको देखेंगे। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक तरंग है S1 स्रोत से निकलती है, दूसरी S2 स्रोत से निकलती है और दोनों कला संबद्ध स्रोत है। कला संबद्ध का मतलब कि दोनों तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो या स्थिर हो, ऐसे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यहां पर पहली तरंग का अगर हम मान लें विस्थापन Y1 है और दूसरी तरंग का विस्थापन Y2 अगर मान लिया जाए और इनके बीच में कलांतर या तो शून्य है या फिर कलांतर फाई है जो कि स्थिर है, समझ में आ रही बात, कॉन्स्टेंट है इनके बीच में कलांतर। तो यदि पहले समीकरण मान लें Y1 बराबर हो गया आपका A1 साइन ओमेगा टी, ऐसा क्यों माना भाई? जो तरंग का समीकरण होता है वो होता है Y बराबर A साइन ओमेगा टी। ओमेगा उस तरंग की कोणीय आवृत्ति है, किसी समय टी पर जो विस्थापन है वो Y2 है, जबकि A1 Y1 लिखते हैं। A1 जो है वह पहली तरंग का आयाम है, दूसरी तरंग का समीकरण हो जाएगा
y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, यानी कि दूसरी तरंग जो है वो फाई कोण आगे है, जो कि परमानेंट फाई कोण आगे रहती है, यानी कि दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर है वहाँ फाई प्राप्त होता है। क्लियर है ना? अगर पीछे होती तो माइनस फाई कर देते, अगर ये तरंग आगे होती तो इसमें प्लस फाई कर देंगे, अगर पहली तरंग पीछे होती तो पहली वाली में माइनस फाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें प्लस माइनस फाई कर दो या फिर इसमें प्लस माइनस फाई कर दो, क्रांतर तो वही रहना है। जब क्रांतर स्थिर रहना है तो फाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी लिख दिया जाए। अब हम लोग इनके अध्यारोपण से जो नई तरंग प्राप्त होगी उसका समीकरण क्या होगा, अध्यारोपण से प्राप्त तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। तो ये हमने वेक्टर रूप में लिखा है, अगर इनका परिमाण लिखे तो y बराबर हो जाएगा y1 की वैल्यू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब इसके हम लोग कैलकुलेशन करते हुए चले जाएंगे, तो देखिएगा y बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस ए टू, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस बी यानी बी फाइव हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारे पास समीकरण आ गया। ए टू के अंदर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, वाई बराबर हो जाएगा ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए टू टेस्ट में मल्टीप्लाई होगा ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर इन दोनों टर्म में मैं देखता हूँ तो साइन ओमेगा टी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी लिखा गया, तो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ये टर्म बचे गए आपसे, तो ओमेगा टी को कॉमन आ गया साइन ओमेगा टी, प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, ये जो है पहली इक्वेशन को मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एक मैं कंसिडरेशन करूँगा, एक अगर आप कुछ ध्यान हो इलेवेंथ का इक्वेशन, तो जो टाइम का फंक्शन हुआ करता है वही तो इक्वेशन होता है वेव का। तो देखिए साइन ओमेगा टी तो ये टाइम का फंक्शन है, तो इसके साथ में जो वैल्यू है ये वैल्यू कहलाती है इस तरंग का आयाम। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो साइन ओमेगा टी जैसे तरंग का समीकरण होता है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो ये टर्म आयाम हो गया, लेकिन ये आयाम कॉस फाई के साथ बदल रहा है, समझ जाने का। तो इस पार्ट में ये जो पार्ट हो गया ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, ये एक आयाम का रूप धारण कर लेगा जिसको मैं आर मान लेता हूँ, और आर जो है वो परिणामी तरंग का आयाम है, लेकिन जो ये एम्पलीट्यूड है ये चेंज हो रहा है किसके साथ, कॉस के साथ में, तो मैंने इसको एक कॉस का फंक्शन आर कॉस थीटा कंसिडर कर लिया, ये मैंने समीकरण सेकंड मान ली। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर ए टू साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, ए टू साइन फाइव, साइन फाइव को यहाँ कर दो मैं तो कॉस ओमेगा टी टाइम का फंक्शन हो गया, और ए टू साइन फाइव इसका गुणांक हो गया, यानी ये आने वाले जो दूसरी तरंग या दूसरा पार्ट है इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो दूसरे पार्ट का एम्पलीट्यूड क्या बना, ए टू साइन फाइव, ये नया एम्पलीट्यूड जो कि साइन के रूप में बदलता है, तो इसको मैंने साइन थीटा के रूप में कंसीडर कर लिया, जहां पर आर और थीटा नए कॉन्स्टेंट है, समझ में आने का, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, थीटा क्या है परिणामी तरंग का एंगल है, और आर क्या है परिणामी तरंग का आयाम है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर एक में रख दिया जाएगा।
तो माना गया है ठीक है ना, ये मान समीकरण एक में रखने पर इसको मैं साइन सॉल्व कर देता हूं। देखिए क्या हो जाएगा भाई, यहां लिख देंगे हम आर कॉस थीटा साइन थीटा टी वाई इक्वल हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन थीटा टी प्लस ए टू साइन फाई को आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और कॉस थीटा टी, ये नया रूप बन गया। अगर दोनों से आर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बताएगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने, प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जो पीछे लिखने पर यह बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए का मतलब ओमेगा टी, बी का मतलब थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी, तो y इज इक्वल टू होगा हमारे पास r sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब हम अगर देखें तो जो परिणामी तरंग का समीकरण बन रहा है वो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइ, ओके, तो परिणामी तरंग का जो स्थापन होगा y बराबर r sin ओमेगा t प्लस थीटा, जहां r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन्हीं तरंगों के आयाम से a1 प्लस a2 cos phi, इन्हीं तरंगों का यूज करके इसी इक्वेशन यूज करके r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर अगर रख देंगे तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है वो हमको प्राप्त हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण अब r की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा, तो r की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण दो और तीन को वर्ग करके जोड़ देंगे, तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड विद स्क्वायरिंग, समीकरण दो व तीन का वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर या इसको पहले लिख दें आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले लिख लेता हूँ मैं, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का स्क्वायर, यानी ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस ए टू साइन फाइव का स्क्वायर, ए टू साइन फाई का स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर बनेगा प्लस टू ए बी प्लस ए टू साइन फाई पूरे का स्क्वायर, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर का टर्म और साइन स्क्वायर का टर्म को एक साथ में कर लूंगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो ये तो फिनिश हो जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। अगर आप ध्यान देखें तो पहले मैं ये टर्म और ये टर्म ले रहा हूँ, तो ए टू स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, आर स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ये परिणामी तरंग का आयाम हो गया।
अगर ध्यान हो जो वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, वेक्टर में किसी दो वेक्टर का जो सम करते थे उनका परिमाण यही आता था, पहला वेक्टर स्क्वायर प्लस दूसरे का वेक्टर स्क्वायर प्लस टू, पहला वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरा वेक्टर का परिमाण इंटू कॉस फाइव, मतलब दोनों जो वेक्टर्स थे उनके वेक्टर के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मतलब यहाँ पर भी तो फाइव दोनों जो वेक्टर या विस्थापन है उनके बीच का एंगल ही तो था। या आर बराबर लिख देंगे हम लोग अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ये एनालिसिस अभी चलता रहेगा, इसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए किसी तरंग, मान लीजिए कोई तरंग, पहली तरंग का आयाम ये है, दूसरी तरंग का आयाम ये है, अगर ये दोनों जो ऊपर पार्ट होता है उसको हम लोग स्वर्ण कहा करते हैं, अगर स्वर्ण से स्वर्ण मिल जाएगा तो यहाँ पर ये काफ़ी हाइट का बन जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड बी है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये ए प्लस बी बन जाएगा। अगर मैं कहूँ एक जब एक के स्वर्ण से दूसरे का गर्त मिलता है तो जो नई तरंग बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी कम हो जाएगा और हो जाएगा ए माइनस बी। और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हुए, आयाम बराबर हुए, तो यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, टू ए या टू बी के बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर फाइव की वैल्यू कॉस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो रिजल्ट क्या आएंगे। तो आर के मैक्सिमम मान के लिए कंडीशन फर्स्ट लगाएंगे, तो मैं इसको साफ करता जाता हूँ और इसको आपको कोई कहीं पर भी एरर समझ में आती है, कोई दिक्कत आती है, समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में इक्वेशन नंबर डाल देना, उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो देखिए अब हम लोग आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम का मतलब है कि ये सारे तो कॉन्स्टेंट है, कॉस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम हो तो कॉस फाइव का अधिकतम मान एक हो सकता है, जिसके लिए फाइव की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो कंडीशन फर्स्ट, यदि फाइव बराबर जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी या आप ऐसे देंगे अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, इसकी वैल्यू वन हो गई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दिख रहा है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये आर मैक्सिमम हो गया आपका ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, यानी ए वन प्लस टू का होल स्क्वायर का अंडर ये कैंसिल हो जाएगा। आर मैक्सिमम की वैल्यू हो गई आपका ए वन प्लस ए टू, जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम जो होगा ए प्लस बी, तो लोग वेव्स के एम्पलीट्यूड का संदर्भ में रहेगा। अब केस सेकंड में बात करता हूं, सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कॉस फाइव की वैल्यू मिनिमम हो जाए, कम से कम कितना हो सकता है कॉस फाइव का वैल्यू माइनस वन, यानी कि फाइव की वैल्यू अगर 180 हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन पर हो जाए, जस्ट अपोजिट, तो यदि फाइव की वैल्यू 180 कर दिया जाए तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए वन प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू मल्टीप्लाइड माइनस वन, तो ये माइनस वन यहाँ पर कर देगा माइनस टू ए बी, तो आर बराबर हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू, ये होगी आर मिनिमम। आर जो मिनिमम आएगा वो जाएगा आपका ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अगर आप देखें तो ए वन अगर बड़ा है और ए टू छोटा है तो प्लस में आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस रहेगा, अगर ए वन छोटा और ए टू बड़ा है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी और इसका स्क्वायर करोगे तो वापस प्लस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये वैल्यू प्लस में, तो यहाँ पर से कह सकते हैं कि इसका हमको अंतर लिखना होता है, ये ध्यान रखने की है।
क्योंकि परिवार लिख रहे हैं, ए स्क्वायर कट जाएगा तो आर मिनिमम जो वैल्यू होगी वो ए बराबर माइनस ए टू के बराबर होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अगर आप लोग डायरेक्शन पर स्वयं से गर्त या गर्त से स्वयं मिलता है। अब इसके बाद इस इक्वेशन में आर की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, फिर बचता है थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इसका भी हमको पता करना है। तो देखिए थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से, सेकेंड और थर्ड लिखी थी वो क्या लिखी थी, एक तो था आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, ये था ये सेकेंड इक्वेशन की। ध्यान करिए पीछे वीडियो में जाइए आप किसी वीडियो में वहाँ पर पीछे स्लाइड कीजिए, आर साइन थीटा जो था वो था ए टू साइन फाई की इक्वेशन थर्ड लिखी थी। अब थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो ये इक्वेशन के आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाला पहले ऊपर जाएगा ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। ए वन और ए टू हमारी जो वैल्यू है वो नॉन वैल्यू है, ज्ञात मान है, और फाइव हमको पता है दोनों के बीच का अंतर था वो क्वेश्चन में क्वेश्चन में दिया जाएगा। आ कर जाएगा बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू बन गया आपका ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, जब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। तो ये चीज हमको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती है, तो इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से आप इसको समझेंगे इसकी क्या की पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, उन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ हम लोग इंटेंसिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इंटेंसिटी होती क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, किसी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है आपका उस तरंग की तीव्रता। तो जहां आयाम ज्यादा होगा वहां पर तीव्रता भी ज्यादा होगी। नियम ये कहता है कि जहां पर स्तरंग से स्तरंग, एक तरंग का स्तरंग दूसरे का स्तरंग मिलेगा तो वहां पर तरंग का एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाएगा, या फिर गर्त में गर्त मिलेगी तो उसका भी एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ काफी हाई हो जाएगा। इन स्थितियों पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाने के कारण यहाँ पर तीव्रताएँ भी अधिक होती है। तो मैं यूँ कहती हूँ कि जिन स्थानों पर स्तरंग से स्तरंग या गर्त से गर्त मिलता है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, आयाम बहुत अधिक होता है, तो इन स्थानों पर होने वाले व्यतिकरण को हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब स्तरंग से गर्त मिलेगी तो वहाँ पर जो तरंग है वो फ्लैट हो जाएगी, अगर आयाम बराबर है, नहीं बराबर है तो एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, देखिए ना डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, और अगर आयाम बराबर होंगे तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो जिन स्थानों पर सरंग से गर्त या इसका गर्त इसका सरंग मिलता है तो वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम ये जीरो हो जाता है, अर्थात तीव्रता भी शून्य हो जाती है। इन स्थानों पर होने वाला जो व्यतिकरण है वो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो अब हम लोग इंटेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण के लिए जो आपका कलांतर है वह कलांतर शून्य होना चाहिए, जब कलांतर शून्य होगा तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, अगर कलांतर 180 डिग्री है तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। अब शून्य के साथ क्या हो सकता है, 360 हो जाए, सॉरी मान लो 360 की वैल्यू में कवर होगी कॉस 360,
720 1080 तो कुल मिलाकर के 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई यानी पाई की वैल्यू जो है वो 2n पाई हो जाए n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो जाए। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है संपोषी व्यतिकरण की शर्त। एक नंबर का क्वेश्चन मिलता है बिना समीकरण 1 पाई या फिर 540 होगा फिर वैल्यू -1 होगी इसकी समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो इसका मतलब हो गया कि अगर पाई की वैल्यू 2n+1 पाई हो जाए जहाँ एन की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 0, 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
अपना तो है एन से वन, दो कम दो है तीन, थ्री पाई, दो रखोगे चार पाँच, पाँच पाई हो जाएगा सेवन पाई सिक्स, इस तरह से नाइन पाई इलेवन पाई। इन स्थानों पर जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, बिना सिमेट्रिकल होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपने ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एम्पलीट्यूड के साथ में इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशन याद करेंगे, पूरा इसका बात करते रहेंगे, साझा करेंगे हम लोग एक वीडियो में निकालेंगे। तो अब हम लोग तीव्रता आयाम के रूप में इस बारे में चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल से आता है, एक मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा अगली वीडियो में, देखिए क्या होता है यहाँ पर। अभी हम लोगों ने देखा कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, उसी का यूज करके हम लोग तीव्रता की चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है तीव्रता की चर्चा, इसी तरह की तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो अगर पहली तरह की तीव्रता को आई वन मान लें तो आई वन समानुपाती ए वन स्क्वायर या आई वन बराबर के ए वन स्क्वायर, समझ में आएगा। या यूं कह दो कि अगर ए वन लिखना है तो के अपॉन आ जाएगा आई वन अपॉन के लिए ए वन का स्क्वायर हो गया, ओके। या ए वन लिखना है तो यहाँ पर अंदर में बच जाएगा। दूसरी तरह की तीव्रता अगर I2 मान लिया जाए तो I2 प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर या I2 बराबर के A2 स्क्वायर या A2 स्क्वायर बराबर I2 अपॉन K हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड के साथ हम लोग चलना शुरू करेंगे, क्योंकि परिणामी आयाम बराबर जैसे स्क्वायर लगाते हैं ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। तो आर ये परिणाम का अंतर आयाम है, परिणामी तीव्रता को अगर आई मान लिया जाए तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आई बराबर के इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आयाम यहाँ पर परिणामी तरह का आयाम आर है और परिणामी तीव्रता आई है, तो आई बराबर के आर स्क्वायर लिख देना है। तो आर स्क्वायर को क्या लिखू है, आई अपॉन के बराबर आर स्क्वायर बराबर आई बटे के बराबर आई वन अपॉन के ए टू स्क्वायर आई टू अपॉन के प्लस टू ए वन स्क्वायर क्या होगी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट आई वन अपॉन के और अंडर रूट मिलेगा भी ए टू के लिए आई टू अपॉन के और कॉस फाइव रूट से बाहर चला जाएगा। I1 अपॉन के I अपॉन के बराबर I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2 अपॉन के अंडर रूट I1 I2 cos 5।
आई अपॉन के बराबर अपॉन के कॉमन ले लिया, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव बाहर कैसे चेक कर जाएंगे यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा आई वन अंडर रूट लगा के तो इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं प्लस आई टू स्क्वायर लगा के अंडर रूट प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव ये क्वेश्चन बन गई। अब वही अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज लिखना स्टार्ट करें मतलब क्या हो जाए कि कॉस फाइव वन हो जाए यानी मैक्सिमम हो जाए तो वहाँ पर इंटरेस्टी मैक्सिमम हो जाएगी तो जो व्यतिकरण होगा वो संपोषित प्राप्त हो जाएगा। ये स्पष्ट यदि फाइव बराबर जीरो ले या फाइव बराबर प्लस माइनस टू एंड फाइव एन बराबर वन टू जीरो ऐसा ले लिया जाए तो आई की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम मिल जाएगी अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू और कॉस जीरो की वैल्यू डायरेक्ट में यहाँ पर वन लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप आई टू जीरो ले रहे हैं। अभी क्या बनेगा अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई टू स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू यानी यह बन गया अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल ऑफ स्क्वायर ये आई मैक्स आ गया। अब कंडीशन सेकेंड लगाएंगे हम जो केस सेकेंड यदि फाइव बराबर 180 डिग्री लेता हूँ यानी कि ऐसा लिख दूँ मैं फाइव बराबर प्लस माइनस टू एन प्लस वन फाइव जहाँ एन बराबर जीरो वन टू थ्री एन डॉट 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 कुछ भी लिया जा सकता है। इन कंडीशन से क्या हो जाएगा जीरो ना के ये 180 बन जाएगा ये जीरो हो गया फाइव यानी एक्स मस्सी थ्री फाइव 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 इस समय जो कॉस फाइव की वैल्यू आ जाएगी ना वो माइनस वन दे दिया क्या दे देगा माइनस वन। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टी जो जाएगी मिनिमम हो जाएगी तो बन जाएगा आपका अंडर राइट स्क्वायर प्लस अंडर राइट स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई वन अंडर राइट टू इंटू माइनस वन और इस माइनस वन का यहाँ मल्टीप्लाई जाए तो ये माइनस वन जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए मिल जाएगा। जो आई मिनिमम है वो बन जाएगा अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर ये आई मिनिमम की वैल्यू आ गई। अब आई मैक्स और आई मिनिमम आ गया। अब अगर ध्यान हो आपको तो इसका क्या हमें रेशियो निकालना है न्यूमेरिकल्स में तो रेशियो क्या आ जाएगा तो ये ध्यान रखने की बात है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली चीज है क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो दिया जाएगा फिर आई वन और आई टू आपसे पूछे जाएंगे पहला पॉइंट। अब इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ में जो रिलेशन हमको पता होना चाहिए याद निकलता है तो ये मैं हटा देता हूँ वो पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। चलिए तो सर्टिफाई कर देते हैं हम लोग लेकिन क्या हो जाएगा ना आप अभी आप देखिए थोड़ा सा बाय करिए वीडियो को आपको पता चल जाएगा। तो आर मैक्सिमम निकाला था वो था ए वन प्लस ए टू और आर जो मिनिमम निकाला गया था वो था आपका ए वन माइनस ए टू ये वैल्यू आई थी डिवाइड कर ये आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो आ गया आई मिनिमम आर मैक्सिमम आर मिनिमम इनका रेशियो हमको पता चल गया न्यूमेरिकल्स के लिए। अब अगर हम आर मिनिमम आर मैक्सिमम को इंटेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा देखिए क्या हो जाएगा
आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम बराबर ए वन क्या था ऐसे देखो ना इसी जगह क्या था वीडियो को बैक करेंगे तो आया था आपका आई वन बराबर के ए वन स्क्वायर तो ए वन क्या हो जाएगा अंडर रूट आई वन अपॉन के आई वन अपॉन के अंडर रूट आई टू अपॉन के अपॉन अंडर रूट आई वन अपॉन के अंडर रूट आई टू अपॉन के क्लियर है तो आर मैक्स जो है अपॉन आर मिनिमम की जो रेशियो वैल्यू आएगी जहां से हम क्या करते हैं वन अपॉन अंडर रूट के कॉमन ले लिया अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अपॉन इन दोनों से भी वन अपॉन अंडर रूट के कॉमन आ जाएगा अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू ये कन्वर्ट कर जाएगा आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आई के रूप में अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू तो ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के रूप में ये टर्म आपके पास आ जाता है अब अगर इसे हम कंपेयर भी कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इस पर अगर मैं अंडर रूट देता हूँ दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा अंडर रूट आई मैक्स इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ अपॉन अंडर रूट आई मिनिमम जब अंडर रूट देंगे तो इनका स्क्वायर हट जाएगा आई मैक्स अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू ये वैल्यू आ जाएगी नहीं आएगी जो कि ये लिखी हुई है इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर कराता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट आएगा कि इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो इनके राइट साइड भी बराबर होने चाहिए तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से चल करके आता है आर मैक्सिमम अपॉन आर जो मिनिमम की वैल्यू का रेशियो है वो आई मैक्सिमम अपॉन आई अंडर रूट के बराबर होता है तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट वेव अच्छा ये पूरा साउंड वेव में हम लोगों ने पढ़ा था यही हम वेव का ही पढ़ रहे क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है पहला चीज दूसरा ये कि हम इस पूरे टॉपिक को बहुत छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस के रूप में लेकर के जो कि आपका केवल किसी आधे पेज में फिनिश हो जाएगा तो वो भी हम टेक्निक आपको बता देंगे तो उस बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आगे कल चर्चा करेंगे यहाँ पर आपने ध्यान रखिएगा आई वन और आई टू को बराबर भी लिया जा सकता है ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या कंडीशन आएगी तो आगे आप अप्लाई कर सकते हैं तब तक के लिए नमस्कार।